உயிரினம் ஒன்றை அந்த இன்னும் என்ன பேசி என்ன மாட்டாங்க மெர்சு சுங்கதக்க நான் லோமந்தின கேட மைக்கரோன் சக்கனங்க உன்ன மித்தார் ரோபின நான் பக்சங்கை கவல லோமத்தாக்கின ஒன்றை தலமினா ஒயோ மேலிக்கி Bulre, oye, o Samuel Samuel. Nama kiki rau, ena bem ataca. Bonita kina bagarumbuka. Ni boi tiri kali mana mini di meono kina tiri na kaloko. Ena radio Fiji One nando boi biti. Ina pina na mataka dan ramai na singa bo. नमस्कार फिजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूं प्रणीता प्रकाश। लैंड ट्रांसफर अथॉरिटी ने अपने 400 कर्मचारियों के काम करने के समय को घटा दिया है, जबकि कोविड 19 के कारण उनके ऑपरेशंस पर असर पड़ा है। एलटीए सीईओ सैमुअल सिम्पसन का कहना है कि उनके स्टाफ को इन प्रस्तावित बदलाव के बारे में बता दिया गया था और उन्होंने इन जरूरी कटबैक्स के प्रति अच्छी तरह रिस्पोंड किया है। सिम्पसन का कहना है कि किसी भी स्टाफ को काम से निकाला नहीं गया है तथा अभी के लिए उनके पास नौकरी है। उनका कहना है कि कोविड 19 के कारण उनके हर दिन के बिजनेस पर बुरा असर पड़ा है। सिम्पसन इस बात पर अटल है कि वे सभी कोशिश करेंगे ताकि उनके किसी भी कर्मचारी को काम से निकाला नहीं जाए तथा ऐसा कोई भी कदम उनका आखिरी रिजोर्ट होगा। नंबुआ में स्थित मुस्लिम लीग सेटलमेंट के लोग जो लॉकडाउन एरिया में है सोच रहे हैं कि वे कैसे आने वाले दिनों को बिताएंगे। इस इलाके को 14 और दिनों तक लॉकडाउन में रखने का फैसला लिया गया क्योंकि इलाके को कोविड 19 के लिए हाई रिस्क एरिया कहा जा रहा है। यहां के 3 लोगों को कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाया गया था। वहां के रहने वाले वैसा तुलेखा का कहना है कि उन्हें मदद मिल रही है लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। पुलिस अफसर 14 दिनों से इस इलाके पर नजर रख रहे हैं तथा इलाके में रहने वाले लोगों ने पुलिस की सराहना की है। ग्लोबल इकोनॉमी पर जबकि काफी बुरा असर पड़ा है तो ऐसे में फिजी में शुगर इंडस्ट्री पर फिर से विचार करना चाहिए। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। उनका कहना है कि ऐसा करने से केवल एक ही सेक्टर पर निर्भर नहीं रहा जाएगा, जैसा टूरिज्म पर, जिन पर कोविड 19 का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इकोनॉमिस्ट डॉक्टर रोहित किशोर का कहना है कि कोविड 19 का असर टूरिज्म सेक्टर पर काफी समय तक रहेगा, जिसके लिए और योजनाओं की जरूरत है। उनका कहना है कि अन्य एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर निर्भर हो सकते हैं लेकिन वो उस मैग्नीट्यूड का नहीं है जैसा शुगर इंडस्ट्री है। शुगर इंडस्ट्री पर लगभग 200,000 फिजियंस निर्भर है। और खेलकूद की खबर में फिजी रग्बी यूनियन के चेयरमैन कमांडर फ्रांसिस की ने वर्ल्ड रग्बी एग्जीक्यूटिव कमेटी से अपने नॉमिनेशन को वापस ले लिया है। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन खबरों के लिए आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची FM भी सुन सकते हैं। शुभ रात्रि। हमारे खूबसूरत देश फिजी में चाइल्ड अब्यूज की घटनाएं आए दिन बढ़ रही हैं। क्यों बच्चों का मासूम बचपन अब्यूज का शिकार हो जाता है? अपने बच्चों की सुरक्षा का खास ख्याल रखें। उनसे बातचीत करें, उनके दोस्तों के बारे में जानें। आज के बच्चे देश का भविष्य है। मैं दीप्ति और मैं मोनिश आपके हम सफर शामिल हो जाए हमारे साथ मंडे टू फ्राइडे 5:45 AM से 10 AM तक रेडियो फिजी 2 देश की धड़कन आरोप।